हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड वन बाय वन। मेरा नाम अमित है और आज की जो ये वीडियो है ये हमारी टेबल के ऊपर होने वाली है। HTML में टेबल क्या होता है, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स और टेबल के थ्रू हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं ये देखेंगे। हो सकता है ये वीडियो कुछ पार्ट्स में हो। तो टेबल ख़त्म करने के बाद हम एक, अभी तक हमने HTML में जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, जितने भी टैग्स पढ़े हैं, जितने भी एट्रीब्यूट्स पढ़े हैं, उन सबको यूज़ करके एक छोटा सा डमी वेब पेज बनाएंगे विदाउट स्टाइलिंग। तो चलिए शुरू करते हैं टेबल। मैंने ब्राउज़र पर एक इमेज खोली हुई है आपके लिए, मैं इसका जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। इस इमेज में टेबल दिखाई गई है, ठीक है। तो इस टेबल में हमें कुछ सेल्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि नंबर, फुल नेम, पोजीशन, सैलरी, 1, 2, 3, 4 और बाकी का जो भी डेटा है, जो भी डेटा हमारा लिखा हुआ है वो एक सेल्स के अंदर लिखा हुआ है, एक सेल के अंदर लिखा हुआ है। और सेल के हॉरिजॉन्टली कॉम्बिनेशन को हम टेबल रो कहते हैं और सेल के वर्टिकली कॉम्बिनेशंस को हम कॉलम कहते हैं, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं सामने, नंबर, फुल नेम, पोजीशन, सैलरी, ये हॉरिजॉन्टली कॉम्बिनेशन है, इनको मिला करके हम टेबल रो बनाते हैं, टेबल रो कहते हैं। और नंबर 1, 2, 3, 4 या फिर फुल नेम, बिल गेट्स, स्टीव जॉब, लैरी पेज, मार्क जुकरबर्ग, इनके कॉम्बिनेशन को, वर्टिकली कॉम्बिनेशन को हम कॉलम कहते हैं, ठीक है। तो सेल के लिए हम TD यूज़ करते हैं अपने HTML में और रो के लिए हम TR यूज़ करते हैं, TR फॉर टेबल रो एंड TD फॉर टेबल डेटा, ठीक है। अब मैं आपको इसको एक और पिक्चर में दिखाता हूँ कि हम HTML में इसको किस तरीके से देख सकते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं कि HTML में हम टेबल किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले टेबल को देखने के लिए हम टेबल टैग यूज़ करते हैं और उसको एंड में सबसे बंद कर देते हैं। उसके बाद हॉरिजॉन्टली टेबल रो को क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले एक TR लिखेंगे और TR के अंदर अगर हमें 3 कॉलम्स लेने हैं तो 3 TD लिख के 3 TD को क्लोज करेंगे एंड देन TR क्लोज करेंगे। तो जहाँ से नेक्स्ट TR शुरू होगा वहीं से आपकी नेक्स्ट टेबल की रो शुरू होगी। तो चलिए अब हम इसको कोड में करके देखते हैं कि किस तरह से हम HTML में टेबल को बनाते हैं। अब हम वापस अपने विजुअल कोड एडिटर में आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने पहले से पेज बनाया हुआ है। अब यहाँ पर लिखते हैं टेबल टैग, टेबल को क्लोज कर देते हैं। उसके बाद अब हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के लिए मैंने आपको बताया था हम लिखेंगे TR टैग और उसको क्लोज भी कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एक TD और उसको क्लोज़ करेंगे। TD से हम सेल बना रहे हैं जो कि हमारा एक सेल बनेगा, उसके बाद दूसरा TD और मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि थोड़ा जल्दी से हमारा कोड हो जाए, ठीक है। मैंने तीन बार कॉपी पेस्ट किया है जिससे कि हमारे 4 TD हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर कुछ नाम लिख देता हूँ, जैसे कि पहले कॉलम्स में मैंने 1 लिख दिया, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ एक बार जल्दी से, इसका स्पेस वगैरह हटा के इसको सेव करके मैं ब्राउज़र पर देखता हूँ। तो देखिए आप 1, 2, 3, 4 इस तरह से यहाँ पर ये प्रिंट हो गया है, ठीक है। इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं टेबल में, जैसे कि बॉर्डर। यहाँ पे मैं बॉर्डर इज इक्वल टू 1 अगर कर देता हूँ तो हमें वहाँ पर बॉर्डर दिखने लगेगा, जहाँ पर भी हमने अपनी टेबल बनाई थी, जो भी हमने कॉलम्स बनाए थे और जितने भी जो भी हमारी TR थी उसके अगेंस्ट हमें एक बॉर्डर, एक पिक्सल का बॉर्डर दिखने लगेगा। और ज़्यादा करने के लिए मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है पूरी TR को और दूसरी टेबल रो बना दी है। अब इसमें मैं थोड़ा सा डेटा चेंज कर देता हूँ, डेटा डाल देता हूँ मैं कुछ और, 5, 6, 7, 8, ठीक है, ये मैंने चेंज किया। अब आप देखिए यहाँ पर 5, 6, 7, 8 ही प्रिंट हो गया है। गाइज, मैं जो भी कोड कर रहा हूँ ये ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश हो रहा है, मुझे रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अगर आपको भी करना है तो इसके लिए आप व्यू में जाइए, ठीक है। उसके अंदर एक्सटेंशन नाम का एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करिए। एक्सटेंशन में जाने के बाद आप राइट में अगर देखेंगे तो आपके पास सर्च करने के लिए एक्सटेंशंस की पूरी लिस्ट आ जाएगी, जहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। मैंने वहाँ पर एक लाइव सर्वर करके एक्सटेंशन है वो इंस्टॉल किया हुआ है अपने विजुअल कोड एडिटर में। तो ये वाला मैंने देख, जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये लाइव सर्वर आप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आपका बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल एक्सटेंशन है। इंस्टॉल करते ही आप देखेंगे नीचे ब्लू स्ट्रिप पर पोर्ट 5500 लिखा हुआ आ गया है। इसको क्लिक करके आप इसको सर्वर को चला या बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी के थ्रू मेरा पेज भी चल रहा है।
कमिंग बैक टू द कोड, अब ये जो जमीज हमारे पास है इसी के जैसा हम HTML बनाएंगे, ठीक है। तो मैं पहले TD में नंबर लिख देता हूँ, उसके बाद दूसरे TD में, क्योंकि हम डेटा चेंज कर रहे हैं एज़ पर इमेज, तो दूसरे TD में मैंने फुल नेम लिख दिया है। थर्ड TD के अंदर मैंने पोजिशन लिख दी है, एंड फोर्थ TD के अंदर हमने जो भी इमेज में लिखा है जैसे कि सैलरी, वही हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। ब्राउज़र पर चलकर देखते हैं, ठीक है, तो हमारा वही प्रिंट हो गया है एज इट इज़। अब चलते हैं नीचे भी डेटा चेंज करने के लिए। नीचे सबसे पहले मैंने जो भी इमेज में लिखा हुआ था उसी तरीके से हम पहले वाले में वन, दूसरे TD में आयुष कुमार करके लिख देता हूँ मैं कुछ ऐसे ही, एंड पोजीशन की जगह पर मैं लिख देता हूँ फुल स्टैक डेवलपर, और सैलरी वाला जो कॉलम आएगा हमारा, सैलरी के नीचे जो हमारा कॉलम आएगा उसमें मैं लिख देता हूँ $8,000, ठीक है गाइस। अब हम इसको ब्राउज़र पर एक बार देख लेते हैं चल के जल्दी से। तो ब्राउज़र पर अगर हम देखेंगे तो हमारी टेबल एज इट इज़ वैसे ही प्रिंट हो रही है। तो अब हम इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स ऐड करेंगे, लाइक सबसे पहले मैं सेल पैडिंग ऐड कर देता हूँ इसके अंदर। तो उसके लिए मैं लिखूँगा यहाँ पर सेल पैडिंग, सेल पैडिंग के अंदर मैं लिख दूँगा 10px। सेल पैडिंग का मतलब होता है कि हर एक सेल के अंदर चारों तरफ से जो हमारी पैडिंग आएगी, जो भी हमारा टेक्स्ट होगा उसके चारों तरफ से जो पैडिंग होगी अंदर, वो उसको हम सेल पैडिंग के अंदर लिखते हैं। 10px की जगह अगर मैं 20 करूँगा तो आप देखेंगे 20 के बराबर का हमारा, 20px के बराबर का हमारा स्पेस हो जाएगा चारों तरफ से, यही हमारी सेल पैडिंग होती है, ठीक है। इसके बाद एक एट्रीब्यूट और होता है हमारे पास जो होता है सेल स्पेसिंग। तो उसके लिए हम सेल स्पेसिंग इज इक्वल टू, पहले मैं दिखा देता हूँ आपको, उसको बढ़ा करके 10px लिखता हूँ मैं, और अब आप देखेंगे दोनों सेल्स के जो बीच का स्पेस होता है, ठीक है, उसको हम सेल स्पेसिंग कहते हैं, और वो चारों तरफ से होता है। 10px हमारा चारों तरफ से एक सेल से दूसरे सेल के बीच का जो स्पेस होगा उसको हम सेल स्पेसिंग कहेंगे। सेल स्पेसिंग के अंदर हमने 10px दे दिया है, तो वही हमारा आपको अलग अलग सेल्स दिख रहे हैं स्क्रीन में। अब मैं अगर इसे 0 कर दूंगा तो आप देखेंगे दोनों सेल्स चिपक के आने लगे हैं, ठीक है। उसके अलावा अब एक और एट्रीब्यूट ऐड कर लेते हैं, विड्थ के अंदर मैं इसको 300px अगर डाल दूंगा तो आप देखेंगे पूरी स्क्रीन, पूरी जो टेबल है हमारी वो 300px के बराबर हो जाएगी। इसको हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कर सकते हैं, मैंने 500 करके भी दिखा दिया आपको। इसके अलावा 100% भी कर सकते हैं आप, जितना भी आपके पास स्पेस होगा ब्राउज़र पर उसके अकॉर्डिंग वो 100% हो जाएगी। और इसके अंदर आप 50%, 30% जो भी अपनी रिक्वायरमेंट है परसेंटेज के हिसाब से भी आप इसके अंदर इसको डाल सकते हैं विड्थ को, ठीक है। इसके अलावा एक अलाइनमेंट के लिए हमारे पास अलाइन करके होता है, इसके अंदर अगर मैं अलाइन इज इक्वल टू राइट डाल दूंगा तो हमारी पूरी की पूरी टेबल राइट अलाइन हो जाएगी। राइट अगर मैं इसमें सेंटर डालूंगा तो सेंटर हो जाएगी, और इसमें मैं अगर लेफ़्ट डालूंगा तो ये लेफ़्ट हो जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास लेफ़्ट अलाइन ही, हमारी जो टेबल जो होती है वो हमारी लेफ़्ट अलाइन ही होती है। तो इसको भी हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास हम एक और एट्रीब्यूट ऐड करेंगे, BG कलर। अगर हमें अपनी टेबल को बैकग्राउंड कलर देना है तो उसके लिए हम BG कलर यूज़ करते हैं। मैंने रेड यूज़ किया है, BG कलर इज इक्वल टू रेड, तो आप देखेंगे हमारी टेबल रेड हो गई। मैं सियान लिख देता हूँ तो सियान कलर की हो जाएगी, मजेंटा लिख दूंगा तो मजेंटा कलर की हो जाएगी। तो जो भी हम इसके अंदर वैल्यू देंगे BG कलर में उसी कलर की हमारी टेबल हो जाएगी, ठीक है। BG कलर को अगर आप चाहते हैं कि पूरी टेबल पे ना दे करके मुझे सिर्फ एक रो में देना है तो वो भी आप कर सकते हैं। आप TR पे BG कलर लिखिए और जो भी कलर कोड आपको डालना है वो डालिए, और उसके बाद आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने BG कलर लाइट ग्रे डाला था तो लाइट ग्रे दिखने लगा, ठीक है। उसी तरीके से टेबल में डालना है तो टेबल में डालिए। इस BG कलर को आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, पर्टिकुलर TD के अंदर यूज़ करना हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी एक सिंगल TD के लिए, जिस तरह से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैंने ये BG कलर नीचे वाली TR मतलब TD में भी दिया है, नीचे वाली TR में भी आप डाल के देख सकते हैं। जहाँ पर भी आप TD, TR या टेबल किसी भी टैग के अंदर आप BG कलर को यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं एक नया एट्रीब्यूट और बताता हूँ, आप TR को भी अलाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको अलाइन लिखिए, अलाइन इज इक्वल टू राइट,
और आप देखेंगे पर्टिकुलर टीआर भी आपकी अलाइन हो सकती है, चाहे वो राइट से करना हो, चाहे वो आपको उसको सेंटर से करना हो, चाहे आप उसको लेफ्ट से करना हो, आप किसी भी टीआर को अलाइन के थ्रू अलाइन एट्रीब्यूट के थ्रू आप अलाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने नीचे वाली टीआर को सेंटर अलाइन किया हुआ है और ऊपर वाली टीआर को, फर्स्ट टीआर को मैंने राइट अलाइन किया हुआ है। ठीक है गाइज, तो इसी तरीके से अलाइन एट्रीब्यूट चलता है हमारा। टेबल में भी डाल सकते हैं आप इसको, टीआर में भी डाल सकते हैं आप इसको। मैं फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा डेटा बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको इसका पर्टिकुलर यूज़ जो हमने अलाइनमेंट किया था। ठीक है, मैंने बीच वाले टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। अब इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जो दूसरा एट्रीब्यूट है हमारा, वो है वी अलाइन। वी अलाइन मतलब वर्टिकल अलाइन। वर्टिकल अलाइन आप टीआर में यूज़ करेंगे और आप देखेंगे इसके अंदर जो भी आप लिखेंगे टॉप, तो वो टॉप से अलाइन हो जाएगा। मैंने सेल पैडिंग जीरो करके आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखाने की कोशिश करी है यहाँ पर। अब आप देखिए ये बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर अलाइन होता है। आप टॉप लिखेंगे तो यहाँ पर टॉप हो जाएगा, आप यहाँ पे बॉटम लिखेंगे टॉप की जगह पर तो वो बॉटम से अलाइन होने लगेगा जो भी हमारा टीआर का डेटा होगा। बॉटम से अलाइन करने से पहले मैं थोड़ा सा डेटा को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंस जल्दी सही से दिखे। और डेटा थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो स्क्रॉल करना पड़ रहा है। मैं व्यू में जाता हूँ, ठीक है, व्यू में जाके वर्ड रैप कर देता हूँ ताकि पूरा डेटा एक ही स्क्रीन में दिखे। उसके बाद टॉप की जगह पर मैं वर्टिकल अलाइन वी अलाइन टॉप की जगह पर सेंटर लिख देता हूँ। और आप देखेंगे टीडी में पूरी जो ऊपर वाली टीआर है उसमें टीडी अलाइन जो है वो वर्टिकली सेंटर हो गया है। और इसकी जगह पर अगर हम बॉटम लिखेंगे तो बॉटम से अलाइन हो जाएगा हमारा पूरा का पूरा डेटा। ठीक है, तो ये होता है वी अलाइन, जो आप पूरी टीआर को अलाइन कर सकते हैं वर्टिकली टेबल के अंदर। ठीक है, इसके अलावा अब मैं वापस इसको कंट्रोल जेड करके फुल नेम वापस कर देता हूँ, इसका सारा डेटा हटा देता हूँ। सो गाइज, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पे कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।